तो गाइस ये वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का नॉट गेम फ्लीट के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले हैं वापस से अपने कार फॉर सेल शोरूम के अंदर, जहां पर हम लोगों ने अपनी सारी सारी गाड़ियां बेच दी थी। और आज एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज करनी है और तुम लोगों से भी बताना है, तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो, 100 के लाइक का गोल है, फटाफट कंप्लीट कर दो। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, 3 मिलियन की तरफ जा रहे हैं। चलो चलते हैं फटाफट से, फिर बताता हूँ आगे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस अपने कार फॉर सेल वर्ल्ड के अंदर एक नए दिन में, और हम लोगों के पास है हमारी निसान GTR जो कि ब्लैक कलर में। और आई थिंक इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा डैमेज होना चाहिए भाई, 12% का डैमेज है। अगर तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही पटक दिया था, जस्ट बिकॉज हमने सारी गाड़ियाँ बेची थी और मैं ये नहीं बेचना चाहता था। इसकी वजह से उसका लॉजिक खैर आज तक का मेरे को समझ में नहीं आया कि इसके लिए मेरे को गाड़ी की तोड़नी पड़ी। बट स्टिल भाई हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा कार कलेक्शन बेच दिया, क्योंकि मैंने भाई तुम लोगों से बेवकूफ़ों की तरह पूछा दोस्तों क्या चैलेंज ले सकते हैं बताना, और भाई सब लोगों ने यही मैसेज करा कि अपना पूरा कार कलेक्शन सेल करके दिखा। तो मैंने कहा भाई सुनो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अपना कार कलेक्शन सेल नहीं करूंगा, भाई तुम लोग बोलोगे तो भाई मैंने कर दिया अपना पूरा कार कलेक्शन सेल। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये निसान GTR R35 बची, जो कि बहुत ज़्यादा बची हुई है, इसको हम लोगों को सही करना है, ठीक है। और हम लोगों को अब धीरे धीरे करके सबसे मेन चीज़ करनी पड़ेगी, जो कि होगा अपना कलेक्शन वापिस लेके आना। मैं सारे कमेंट देख रहा था और सभी लोग यही बोल रहे थे भाई कि कैसे भी भाई अपना आप कलेक्शन कंप्लीट करके दिखाओ, बट इसमें खाली ऐसा नॉर्मल नहीं कि हम लोग खाली अपना कलेक्शन वापिस ले लेंगे भाई, एक प्रॉपर चैलेंज होने वाला है। अरे 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 सॉरी यार, मैं वहाँ पे गाड़ी देखने लग गया था कौन सी गाड़ी आ रखी है, NG5 और वही है NG स्टेशन वैगन। भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा कूल भी लगी सही बताऊँ तो। भाई चैलेंज बढ़िया है, हम लोगों को बस कैसे भी उसको एक महीने के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। तो इस महीना जो भी मतलब आज की डेट है, आज कितनी डेट है, आज है तुम्हारी 27/10, ठीक है। आज 27/10 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब हम लोगों को कैसे भी 27/11 से पहले कैसे भी अपना कार कलेक्शन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि सुनने में ऐसा इजी लग रहा है बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो हम लोग इतनी इजीली नहीं ले सकते, उसके ऊपर से गेम का रूल आ चुका है कि तुम 12 बजे से पहले नहीं सो सकते। और उसके बाद भाई तुम लोगों को पता है भी दिवाली वाली ये सब चीज़ें आने वाली हैं, तो उसके फंक्शन में तो भाई बिजी रहेंगे यार, सीधी सी बात है। उधर इतने सारे काम होते हैं घर में, फिर उसके साथ साथ इतने सारे मस्ती, $10,000 इन रिपेयरिंग। $10,000 इन रिपेयरिंग भाई, व्हाट? चलो बढ़िया तो होगी भाई, $10,000 लग गए हम लोगों के। भाई इन लोगों ने गारंटीड ये प्राइस बढ़ाया, वैसे कायदे सच्ची बताओ बहुत ज्यादा कम था पहले भी, लाइक $500 में पूरी गाड़ी टूटी फूटी नई बन जाती थी। अब सही है थोड़ा, $10,000 वो भी 12% डैमेज के, तो वो चीज़ तो सही है। बट स्टिल भाई अभी अपनी जेब से गया तो थोड़ा दिक्कत तो होगी, थोड़ा दर्द तो होगा, एक बार देख लेते हैं। क्या पता है इस ऑक्शन में कुछ ऐसा आ रहा हो जो हमारे कलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे। गाइस अगर आपने अभी तक का लाइक वाला बटन दबाया जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो, तुम्हें पता है कि तुम मेरे लक्की चार्म हो भाई। अगर तुमने लाइक वाला बटन दबाया होगा तो हम लोगों को कुछ बढ़िया गाड़ी मिल सकती है। तुम लोगों ने अभी तक का लाइक बटन नहीं दबाया, देखा मुझे पता था भाई, मेरे को याद दिलाना पड़ रहा है तुम लोगों को। गाइस फटाफट से लाइक वाला बटन दबा दो यार, हम लोगों के पास लिटरली कोई भी कार नहीं आई है भाई। एक बार शोरूम देखो, रुको मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ भाई, एक बार शोरूम देखो, हम लोग का शोरूम लेजिट पूरा का पूरा खाली है, एकदम खाली है। अंदर देख लो कैसा सुनसान हो गया है, एक टाइम पे यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी सारी गाड़ियाँ थी सेल पे। इधर पे दो GTR, यहाँ पर दो वो थी अपनी RX-7 थी, वो सब चीज़ें भाई, R8 यहाँ पे खड़ी रहती थी अपनी, Lamborghini, सारी की सारी कार्स यहाँ पर रहती थी भाई। मेरे को दिल से बता रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बट वो चैलेंज क्या क्रेजी था। और उससे हम लोगों को, अगर तुम लोग को हाथ दिख रहा है ना, $37 मिलियन ऑलमोस्ट 38 मिलियन डॉलर ही हैं अपने पास। तो ये तो भाई पैसे की तो कमी नहीं है तुम्हारे भाई के पास, लिटरली हमारे पास कितने 3.8 करोड़ डॉलर, समझ रहे हो, 3.8 करोड़ डॉलर पड़े हुए अपने पास। एक बार नेबरहुड चलते, देखो हम लोगों को सबसे पहले गाड़ियाँ कौन कौन सी करनी है। हम लोगों को जो गाड़ियाँ नेबरहुड में मिल सकती है वो है दो गाड़ियाँ, प्रीमियम गाड़ियाँ जो हमारे कलेक्शन में गाड़ियाँ थी, बताओ कौन सी, ठीक है। बिना चीटिंग करे आगे देखेगा कमेंट में गैस करना, बाकी मैं तुम लोगों को बता ही देता हूँ। हम लोगों की थी दो गाड़ियाँ, मस्टैंग और सुपरा, ठीक है, मस्टैंग और भाई कैसे भगाता हुआ आ रहा है, मतलब मैं भी गलत लेन में घुसा हूँ, बट फिर भी यार थोड़ी ब्रेक तो लगा ही सकता था ना हल्की सी यार, थोड़ी कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है GTR यार इस गेम के अंदर, पता नहीं यार ड्रिफ्टिंग ना थोड़ी सी ऐसा लगता है मक्खन के ऊपर गाड़ी रपट रही है भाई, रपटी जाती है भाई, कोई रिफ्लेक्शन नाम की चीज़ नहीं, रुकती नहीं गाड़ी।
चलती जाएगी, और खास करके इसके ऊपर, घास के ऊपर गलती से डाल दी घास के ऊपर, खत्म भाई गाड़ी जाते ही नहीं ना। हम लोगों को यहाँ पे सुपरा और मस्टैंग मिल सकती है, तुम समझ रहे हो, हम लोगों को यहाँ पे सुपरा और मस्टैंग मिल सकती है अगर होपफुली मिल जाए। वैसे कायदे से 12 बज चुके हैं तो हम लोग डे भी रीसेट कर पाएंगे, सबसे बढ़िया चीज़ वही हुई है। कायदे से हम यहाँ आए हैं तो ऑक्टेविया भी दिख रही है, मेरे को तो नहीं दिख रही यार, ना ही सुपरा ना ही मस्टैंग, और यहाँ पर तो कोई भी कार नहीं है। तो हम लोग यू टर्न ले लेते हैं, फटाफट से जाते हैं, डे रीसेट करते हैं। हम लोगों को आज कम से कम अपने कलेक्शन की 5 गाड़ियां तो करनी है। हम लोगों के पास कितनी गाड़ियां थी गाइस, हम लोगों के पास ऐसे 9 गाड़ियां या 10 गाड़ियां थी, राइट 10 गाड़ियां थी शायद, एक बार बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली भूल गया हूँ। तो मेरे ख्याल से हमारे पास 10 गाड़ियां थी, आज अगर हम लोग 5 भी कर लेते ना, फिर जो हार्ड हार्ड वाली है जो लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है, जो कि है अपनी डॉज वाइपर और उसके साथ साथ अपनी फरारी FXX, सॉरी फरारी के ईवो जो है अपनी, वो हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकती है, बट देखते हैं, वो तो अभी पता चल जाएगा। खैर क्या पता हमारी किस्मत कुछ ज़्यादा ही क्रेजी चल जाए। लो भाई एक और ऑक्शन है, एंड यू नो अबाउट ऑक्शंस भाई, ऑक्शंस कभी कभार ना हमारी किस्मत बहुत तेज चमका देते हैं। 5 PM पे ऑक्शन स्टार्ट है भाई, कोई चीज़ से टकरा भी नहीं था, तुमने देखा वो, मैं किसी चीज से टकराया, सीधे जा रही गाड़ी एकदम से पलट गई, टकरा भाई, भूत है यहाँ, मैं बता रहा हूँ मेरे नेबर के घर में भूत है भाई। यार इसमें मैंने वो नहीं डाला है क्या, रेस फिट नहीं डाला है क्या, इसमें ड्रिफ्ट फिट की फील हो रहा है मेरे को, एक मिनट रुकना, वहां पे GTR है क्या, नहीं यार बेकार गाड़ी है सारी की सारी। वैसे कायदे से हम लोग कर भी नहीं सकते, वैसे कायदे देखा जाए तो अपनी GTR के अलावा किसी और से हम लोग रेस करेंगे तो बेटेस्ट कार होगा भी नहीं आई गेस, बहुत कम गाड़ियां होती हैं, कुछ कुछ गाड़ियां करती है। देखो ये लिटरली रपटी जा रही है भाई, मेरे ख्याल से इसमें नहीं है यार, इसमें रेस फिट नहीं है, इसमें ड्रिफ्ट भी नहीं है, बट इसमें आई थिंक नॉर्मल किट है। रुको जरा एक बार चेक कर लेता हूँ, प्लीज़ बोल दे कि रेस किट है, हाँ रेसिंग किट है। तो इतनी ज़्यादा रपट क्यों रही है गाड़ी, रुको इसके सस्पेंशन पूरे गिरा देता हूँ मैं, ठीक है, और प्लेट तो अपनी वामू की है, व्हील भी बढ़िया वाले हैं, आई होप अपना रपटे भाई, बहुत ही ज़्यादा रपट रही है यार, हद्दी कर रही है बिल्कुल गाड़ी, तो ऐसा उड़ते हुए जा रही है बिल्कुल जैसे मक्खन के ऊपर चल रही होगी। चलो चलते हैं भैया ने हमारी गाड़ी, वैसे गाड़ियाँ तो कहीं देंगे, एक भी गाड़ी नहीं है भाई शोरूम के अंदर, तुम समझ रहे हो भाई, ये रुकती नहीं है यार, पता नहीं क्या हो गया है। इस गेम को लिटरली ड्रिफ्ट मैकेनिक्स पे तो काम करना चाहिए मेरे हिसाब से भाई, तुम लोग बताना। चलो रेडी, अगर तुम लोगों ने अब लाइक कर दिया होगा तो कुछ अच्छा ही मिलेगा, लेट्स गो बॉयज। हम लोग को अपनी पहली गाड़ी मस्टैंग तो दिख गई है भाई, मस्टैंग है, ओह लैम्बोर्गिनी, दो गाड़ियां, हम लोगों की 3-3 कार्स। मैं बोल रहा था ना भाई, तुम लोगों ने अभी तक लाइक नहीं मारता, और देखो लाइक मारते ही हमारी क्या किस्मत चली है, तुम देख लो भाई, लाइक मारते ही हम लोगों की क्या किस्मत चली है, तुम लोग खुद ही देख लो भाई लाइक मारते कैसे चल गई हमारी किस्मत, तुम बताओ ना मुझे अब, लाइक मारते कैसे चल गई हम लोगों की इतनी तेज किस्मत। मैं तुम्हें बता रहा यार, तुम लोग लकी चाहो मेरा, बस तुम मानते नहीं इस बात को भाई। हम लोगों को मस्टैंग लैम्बोर्गिनी क्लच और उसके साथ साथ हम लोगों को मिल गई है सुपरा MK5। हम लोगों की कलेक्शन की कायदे से 4 गाड़ियां हो गई एक तरह से, देखो मस्टैंग हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई और अपनी सुपरा हो गई, और अपने पास GTR तो पड़ी है, तो अपने पास कायदे से 4 गाड़ियां हो गई अपनी कलेक्शन की। लेकिन नहीं, मैं ऐसे चीटिंग नहीं करूंगा, 5 गाड़ियां बोली तो 5 गाड़ियां तो हम लोग एटलीस्ट रख के ही रहेंगे, ठीक है, कहने का मतलब अगर 5 बोली हैं तो 5 होंगी। अब हम लोग को बस 5 PM तक रुकना, एक बार जाके देखते हैं, एक काम करते हैं पहले हम लोग अपनी GTR को सही करा के लेके आते हैं वापस से, और उसके बाद चलते हैं ऑक्शन में। तो भाई $2,500 भाई हो गया है, महंगा हो गया बहुत, तुमने देखा कितने कम डैमेज में $2,500 ले रहा है भाई। इन लोगों ने वो चीज़ कर दी, कायदे से सही है, टू बी ऑनेस्ट मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वैसे मैं कायदे से इन सब चीज़ों के तो थोड़ा सा अपोज में ही रहता हूँ, सीधी सी बात है मेरे पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, बट ये चीज़ सही करी इन लोगों ने, क्योंकि पहले ना गाड़ियाँ बहुत ही चीप में सही हो जा रही थी, तो तुम भाई इतना बड़ा डिस्काउंट ले रहे हो उस पे गाड़ी पे, और फिर उसको चीप में सही कर रहे हो, तो कायदे से बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होता। अब ऐसा होगा कि तुम अगर ले रहे हो, तुम्हें $10,000 सस्ती मिल रही है गाड़ी, लेकिन 50% डैमेज है, तो भाई तुम लोगों के $1,00,000 कहीं नहीं गए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। चलो हम लोग लगाते हैं अपनी गाड़ी को यहाँ पे, ठीक है, कोने में लगा देते हैं यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना बीच रोड पे, बस ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को लगा देता हूँ, भैया से हम लोग डेली टिकट ले लेते हैं, देयर वी गो, थैंक यू, और एक बार बैठ के देखते हैं। 6 मिनट बचे हुए, तो मैं 6 मिनट वेट करता हूँ यहाँ पे, या फिर हम लोग एक्चुअली 6 मिनट में, पता है भाई क्या, एक्चुअली रुको एक मिनट, नहीं नहीं हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को मस्टैंग और सुपरा ही मिल सकती है नेबरहुड में, और यहाँ पर मस्टैंग और सुपरा दोनों मिल रही है हमें, तो आई डोंट थिंक सो वी शुड गो, फायदा नहीं है कोई भी, ठीक है। अब चलो फटाफट से बैठ जाते हैं यहाँ पे, 6 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, 6 मिनट तक
क्या करूंगा अब मैं, मुझे भी नहीं पता है। 6 मिनट तक अब क्लैश ऑफ क्लैन खेलता हूँ और क्या ही करूंगा यार बैठ के, और क्या ही कर सकते हैं भाई। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलो गाइस फाइनली ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है और अपनी सुपर लग चुकी है। लेट्स गो भाई सीधा भाई मैक्सिमम यार हल्के में ले रहे हो क्या भाई को? भाई डैमेज गाड़ी 0% है, 0% डैमेज और कोई लगा। अरे यार मैं खुश हो गया था भाई, कोई लगा भी नहीं रहा। 62,000 सुपरा के लिए बहुत ज़्यादा है भाई। 64,000 हो गए भाई सीधा। भाई बहुत ज़्यादा सुपरा के लिए, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा रुपए। कम ऑन ब्रो। चलो थैंक गॉड भाई 66 में मिल गई, कोई बात नहीं ना, पैसे की कमी नहीं है। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूँ भाई ये चीज़, ये तो मैं नहीं लेने वाला। तो मैं इसके प्राइस बस 2 बार हाइप कर दूंगा एकदम खतरनाक वाले। होंडा CX है ये, जिसको भी चाहिए होगी। मैं 2 बार हाइप कर देता हूँ प्राइस, फिर ये आपस में भिड़ते रहे। हाँ मेरे को लगा बिक गई भाई, मेरे को मिल गई कहीं भाई। अपनी अगली लैम्बोर्गिनी आ चुकी है, सीधा मैक्स लगाएंगे 26,000 पे। एक और बार मैक्स, कौन है भाई के सामने है कोई? नहीं ना। जी भाई अपनी सेकंड कार भी हो गई, अब फाइनल आ चुकी है मस्टैंग को भी हम लोग ले लेंगे सीधा भाई। 2 बार इनर हम लोग मैक्स लगाएंगे इसको, ठीक है। आंदो आइए भाई। फुल्ली एकदम पेंटेड है और डैमेज 0% है भाई। ऑक्शन में अच्छी गाड़ियाँ आती है सही में, ठीक है। 2 बार मैक्स लगा दिया, आई होप कोई ना करे। इजी भाई इजी। बॉटा कार गाइस, हम लोगों की 3 कार्स आ चुकी हैं अपने कलेक्शन में से। वो बीच वाली तो होंडा CX वो हमें चाहिए नहीं थी। मस्टैंग अपनी वापस आ चुकी है कलेक्शन में, लैम्बोर्गिनी अपनी वापस आ चुकी है कलेक्शन में, सुपरा अपनी वापस आ चुकी है कलेक्शन में। बस 2 कार्स और, ठीक है। आज की वीडियो में कैसे भी चैलेंज है, 2 कार्स और करनी है। अब वो चाहे कोई भी हो भाई, किसको पता किस्मत से हम लोग को फरारी मिल जाए, डॉज वाइपर मिल जाए। मिल गई ना भाई, गॉड मजा आ जाएगा कसम से। बट मेरे को भी पता है, हम तुमको भी पता है कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी चलती है। हम लोगों को बस 2 और सुपर कार्स चाहिए जो हमारे पुराने कलेक्शन में से एक थी। इन तीनों को मैं सबसे पहले तो टो ट्रक 1, टो ट्रक 2 और टो ट्रक 3 पे डालता हूँ, ठीक है। चलो अब हम लोग अपनी GTR लेके यहाँ से निकलते हैं। इन तीनों कार्स को हम लोग देंगे अपने अपने मन का, पहली बात तो कलर देंगे और उसके बाद क्या कहते हैं तुम्हें, एक्चुअली हम लोगों को आई थिंक निकलना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं तो फिर वही है, रात हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, सीधे निकलते हैं यहाँ पर से, ठीक है, और जाके पहले सो के आते हैं, नेक्स्ट डे करते हैं अगर कार मार्केट खुल गई ना भाई। तो 2 और गाड़ियाँ तो यार, ये क्या है ये कौन सी ड्रिफ्ट मार रही है मेरी कार जो रुकी नहीं? तुम देख रहे हो वो, देखो वहां से वो देख रहे हो जहां से वो काली, कौन सी गाड़ी होती है भाई ऐसी जो ड्रिफ्ट ही मारते रहती है इतने साल तक का? भाई मैंने लिटरली नॉस नहीं दबाई ये सोच के कि ठीक है यार अभी रुक जाएगी। ये गेम के अंदर अलग ही है भाई ड्रिफ्ट मैकेनिज्म, रुकती नहीं है गाड़ी भाई। ऐसा लगता है मक्खन डाल दिए पैरों में, ठीक है भाई, अमूल की 4 टिक्की लगा दी हर एक टायर में और ये रड़ रही है अब गाड़ी भाई, मतलब रपट रही है बिल्कुल जितनी रपट सकती है। गाइस हो चुका है नेक्स्ट डे और कार मार्केट प्लेस इज ओपन भाई। ये हुई ना बात किस्मत, मैंने लिटरली रात को सोने जाने से पहले यही बोला कि बस कार मार्केट खुली मिल गई तो हम लोगों को 2 गाड़ियां हो सकता है होपफुली मिल जाए। मैं तो अभी क्या करने वाला हूँ, अभी मैं डायरेक्टली जाकर अपनी गाड़ियों को पेंट नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं सीधे निकालूंगा यहाँ से और सीधे चलते हैं भाई कार मार्केट की तरफ को। लेट्स होप कि हम लोग को वहाँ मिले और एक बार यहाँ भी देखते हैं जाते हैं, कोई अच्छी गाड़ी अगर दिख जाए, किसको पता नहीं है ना, क्या पता। क्योंकि देखो GTR और डॉज वाइपर की रेस हो सकती है, ठीक है, लाइक थोड़ी डॉज वाइपर ज़्यादा महंगी है, सीधी सी बात है, GTR थोड़ी सी, बट फास्ट तो GTR ही है कायदे से। और यस मैंने तुम लोगों के कॉमेंट पढ़े थे भाई, बहुत सारे लोगों ने दिखाया था कि सुपरा भी 352 गई थी एक बार 1 सेकेंड के लिए, मतलब जैसे GTR गई थी बेसिकली। ओ भाई अलग ही है गेम, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई। हम लोगों को हमारी कलेक्शन की एक और कार मिल गई जो कि हमारी ऑडी R8। प्लीज सस्ते में देना भाई, डैमेज 5% है, कोई बात नहीं, डैमेज की कोई इशू नहीं है। हम लोग ट्राई करते हैं इसको 4 लाख में बोलने की, ठीक है। 4 लाख में अगर मान गई ना मजा आ जाएगा यार, कम ऑन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेटर ऑफर, कोई बात नहीं। 420 भाई, ओए क्या कर रहा है, एक मिनट, नहीं सही है ना। हाँ भाई अभी लगा दिया था, 4.2 मिलियन दे दिए थे उसको मैंने। चलो बढ़िया, इसको हम लोग सीधा भेज देंगे रिपेयर होने के लिए, ठीक है। और कोई गाड़ी तो नहीं है ना यहाँ पे हमारी वाली गाड़ी? नहीं, ये तो BMW, हाँ ये तो वो है M3 टूरिंग है ना ये। हाँ भाई M3 भी मिल जाती है अगर तो मज़ा आता है, बट वो M3 टूरिंग है, उसका मैं करूँगा क्या, राइट। चलो अभी के लिए निकलते हैं, हम लोगों की वो गाड़ी को भी सही करते हैं। हम लोगों के पास 4 कार्स हो चुकी है अपने कलेक्शन में से, एक और चाहिए और हमारा पूरा चैलेंज कम्प्लीट हो जाएगा भाई मजाक से हट के। तो चलो फटाफट से चलते हैं, सबसे पहले तो मैं अपनी GTR को लगा देता हूँ, ठीक है भाई। ये लिटरली यार मेरे को इसका ना, मेरे को ऐसा लग रहा है इन लोगों ने अपडेट के बाद और ज़्यादा ख़राब कर दिया है इसको। चलो अभी के लिए मैं GTR को लगाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है।
बस अभी के लिए तो भाई GTR अपनी जैसे पहले थी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में बिल्कुल वैसी लगा देते रहे ढंग से। और अब अच्छा भैया दोनों भी जा रहे हैं यार, ये बंदा बहुत सही है मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। चलो अपनी मस्टैंग को लेके जाते हैं भाई। मस्टैंग इतनी स्लो फील हो रही है ना अभी, क्योंकि इसमें एक भी मॉड नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं डला हुआ है। सो इसको लेके जाते हैं सीधा मॉडिफिकेशन के लिए, क्योंकि कायदे से आई थिंक हाँ डैमेज तो 0% है कारियों में भाई। क्या गाड़ियाँ मिली हमें, इनमें रेसिंग किट लगाते हैं, नॉस लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, सस्पेंशन जैसा है सही है, नंबर प्लेट यू नो गाइस क्या करते हैं हम लोग, वामू वाली नंबर प्लेट होनी चाहिए। और बाकी व्हील में हम लोग देखते हैं कोई अच्छा सा व्हील है जो इस गाड़ी के साथ जाए। ओ भाई भाई भाई, चाहे सस्ता व्हील है बट एक बार देखो भाई, ये बिल्कुल मस्टैंग फील नहीं दे रहा, एकदम ड्रिफ्टिंग के लिए बने हुए व्हील लग रहे हैं भाई। थैंक यू ब्रो, थैंक यू, बहुत बढ़िया काम है आपका। चलो फटाफट से चलते हैं, इसको यहीं से पीछे को ले जाते हैं। सबसे पहले तो अपनी मस्टैंग करेंगे, कायदे से हम लोगों ने सबसे पहले पिछली बार भी मस्टैंग ही ली थी, तो हम लोग अपनी मस्टैंग को यहाँ पे ये लगाते हैं पार्ट्स, पॉलिश पे लगा देता हूँ इसको, ठीक है, मेटालिक भी थोड़ा सा कर देते हैं। अब गाड़ी का कलर देखो, मेरा मन तो पूरा का पूरा है लाल, ठीक है, मेरा मन पूरा लाल पे जा रहा है, लाल मस्टैंग बहुत ज़्यादा मस्त लगती है, बट एट द सेम टाइम येल्लो मस्टैंग भी बहुत नेक्स्ट लेवल लगती है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को इसको येल्लो करना है, बट ठीक है, एक एक कंडीशन होती है बस येल्लो करने की, मैं बताता हूँ तुम लोगों को कंडीशन। पहले तो हम लोग येल्लो में चले जाते हैं, तो येल्लो मिलता भी तो नहीं है इजीली। हाँ ये अब देखो, ये येल्लो मिल गया ना हमें। अब येल्लो की बस एक ही कंडीशन है कि हम लोग इसको, मतलब पॉलिश डज नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ व्हीकल। हाँ ठीक है, मुझे क्या करना है, ठीक है, मेटैलिक हम लोगों को इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर स्मूथनेस, एक्चुअली स्मूथनेस ख़त्म करनी पड़ेगी थोड़ी सी गाड़ी की, ठीक है, बस इतनी कर सकते हैं। मेटैलिक देखते हैं एक बार इसको बढ़ा के, मेटैलिक, हाँ मेटैलिक देख रहे हो, अगर हम लोगों को येल्लो गाड़ी जहाँ पर चाहिए तो भाई तुम लोगों को इसको थोड़ी सी स्मूथनेस से गिरानी पड़ेगी, क्योंकि ना वो जब मेटालिक हो जाती है ना गाड़ी ज़्यादा, तो फिर वो चमकाने लग जाती है और फिर वो अजीब सी लगती है, वो येल्लो नहीं लगती फिर गाड़ी। अगर तुम लोगों को येल्लो करनी, देखो अब ये येल्लो मस्टैंग प्रॉपर नहीं लग रही है, मस्टैंग जो येल्लो कलर की होती है देख रहे हो, लाइम कलर एकदम प्रॉपर वाला अब लग रही है ना ये प्रॉपर येल्लो मस्टैंग अपनी। इसमें से अगर स्ट्राइप राइप निकाल पाते तो और ज़्यादा मज़ा आता, येल्लो मस्टैंग को जाके सीधे लगा देते भाई, बहुत क्रेजी कूल लग रही है सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ पे लगाएंगे इसके बगल में, एक्चुअली इसको पीछे को लगाते हैं, ठीक है, हम लोग आगे को भाई सीधी सी बात है थोड़ी सी एक्सपेंसिव कार्स लगाएंगे, ठीक है, तो इसको लगा देते हैं और उसके बाद लेके आते हैं अपनी अगली गाड़ी को। भाई हम लोग को लिटरली यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ा है, अगली लैम्बोर्गिनी को लेके चलते हैं यहाँ से। लैम्बोर्गिनी का भी वैसे कायदे से देखो, सीधी सी बात है, आइकॉनिक कलर अगर तुम लोग बोलोगे तो बताओ कॉमेंट में, बताओ मुझे तुम लोगों को लैम्बोर्गिनी जब कोई बोलता है तो क्या कलर दिमाग में आता है। भाई मुझे तो येल्लो ही आता है यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लाइक येल्लो लैम्बोर्गिनी है ना, येल्लो लैम्बोर्गिनी बहुत ज़्यादा फेमस है, नहीं तो सियान लैम्बोर्गिनी, दोनों में से एक भाई मेरे लिए तो, ठीक है। इसको कर देते हैं सब कुछ एकदम, इसमें रेसिंग किट डाल देते हैं, सस्पेंशन थोड़ी गिराते हैं भाई, हेलो लैम्बोर्गिनी है यार तुम तो यार, इसमें बिल्कुल ही एकदम इतने ऊँचे वो दे रहे हो सस्पेंशन, वामू कर देंगे इस बार। न्यू जर्सी का लगाते हैं, नहीं ये वाला लगा लेते हैं रोमा का। व्हील देख लेते हैं, व्हील में तो यार ये वाले व्हील अच्छे नहीं लग रहे इसके साथ, इसके साथ ना थोड़े से, हाँ ये देखो रेट्रो लुक वाले व्हील ना थोड़े से इसमें कूल लगते हैं ज़्यादा ही, ठीक है। थैंक यू भैया वंस अगेन, बहुत बढ़िया काम करा आपने, थैंक यू। इसमें नॉस तो पहले से थी, ठीक है, इसमें नॉस तो पहले से थी नो डाउट। अब इसको हम लोग फटाफट से जाते हैं, भाई क्या किस्मत थी यार हमारी, मैं मजाक भी नहीं करूँगा, तुम लोग देख रहे हो भाई 2000 में एक एरिया पेंट हुआ है इसका सिर्फ, भाई इन लोगों ने कर दिया है, भाई इन लोगों ने कर दिया है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मानो या ना मानो, इन लोगों ने अब पॉलिश $11,000। व्हाट भाई, अब ये गेम में गाड़ी खरीदना मतलब अपने सर पे पत्थर मारने वाली बात हो जाएगी। चलो अपनी लैम्बोर्गिनी को हम लोग सियान कलर ही देंगे, जैसे कि मैंने तुम लोगों से बोला कि भाई लैम्बोर्गिनी बहुत ज़्यादा क्रेजी लगती है सियान कलर में, क्योंकि लैम्बोर्गिनी सियान अगर तुमने देखी होगी वो गाड़ी बहुत मस्त लगती है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं। मेरे को पता नहीं क्यों, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना सच्ची में, तुम्हें फुल्ली मेटालिक गाड़ी अच्छी लगती है भाई, मेरे को पता नहीं क्यों ये इतनी अच्छी नहीं लगती स्मूथनेस 100 करके, मतलब कुछ गाड़ियां तो जैसे ये बहुत अच्छी लग रही है सही बताऊं तो, ठीक है, कुछ गाड़ियां तो बहुत ज़्यादा कूल लगती हैं, बट कुछ गाड़ियां ना जैसे मस्टैंग थी, मस्टैंग यार बड़ी कूल लग रही है वो येलो में, देख रहे हो दूर से कैसे वो हो रही है, देखो आंखों में लग रही है बिल्कुल, मतलब आंखों में लग रही है इन द सेंस, ये निकलेगी नहीं क्या यहाँ से, ऐसे मत बोले यार। आई गेस लैम्बोर्गिनी थोड़ी सी चौड़ी हो रही है इस दरवाजे के लिए, एक बार और लास्ट टाइम ट्राई करता हूँ, नहीं निकलेगी यार लैम्बोर्गिनी इस दरवाजे के लिए थोड़ी सी चौड़ी हो रही है, तो हम लोग इसको प्रॉपर जो रास्ता हमने बनाया था वहीं से लेके जाते हैं, ठीक है, कायदे से गाड़ियों का मैं ज़बरदस्ती फ्रंट डोर से लेके जाने की सोच रहा था थोड़ा टाइम बचाने के लिए, बट एक्चुअल में वेस्ट हो गया टाइम, तो इसको हम लोग इधर बीच में लगा देते हैं, ठीक है, इसके एक साइड अपनी वो आ जाएगी क्या कहते से, रुको हाँ, इसको हम लोग बिल्कुल ऐसे चढ़ाएंगे ना,
कि ये उल्टी चले बाघ हिसाब से। बस जब मस्टैंग सीधी होगी तो ये उल्टी होगी। बस ठीक है, इसको हम लोग ने सेंटर करके लगा दिया। तो अब जब मस्टैंग उल्टी होंगी और मस्टैंग के बगल में हम लोग, सीधी सी बात है, लैम्बोर्गिनी के बगल में सॉरी, हम लोग अपनी वो लगाएंगे, सुपरा लगा देंगे। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कूल लगेगा। अभी के लिए पहले अपनी सुपरा को लेके जाते हैं। भाई इसमें तो 900 सब कुछ है मेरे ख्याल से, सुपरा इन लोगों ने कर रखी है पहले से। भाई ये सुपरा का ना यार, इसमें रेसिंग फिट नहीं है क्या? मेरे को लग रहा है इसमें ड्रिफ्ट फिट है, क्योंकि ड्रिफ्टिंग के लिए तुम लोग गेयर अपनी करते ना, नहीं रेसिंग किट ही है। अब ये क्या बात हो रही है फिर? और इसका तो पूरा का पूरा दबा भी हुआ है सस्पेंशन। वामू इस वाले में रोम की लगाते हैं, ठीक है, देयर वी गो। व्हील में, इसमें तो यही वाले व्हील अच्छे लगेंगे, नहीं सुपरा में भाई BMW वाले व्हील ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि कायदे से है तो Z4 ही। मजाक कर रहा है यार, मजाक कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में इसका इंजन और वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, लाइक काफ़ी ज़्यादा क्या बनाता ही BMW है एक्चुअल में, मजाक से हट के। चलो इसको ले चलते हैं सीधे पीछे, ठीक है। वैसे कायदे से झूठ नहीं बोलूँगा, ये गाड़ी इसमें भी बहुत अच्छी लग रही है, बट अपने पास एक पहले से GTR ब्लैक कलर में है, तो हम लोग कलर को रिपीट नहीं करने देंगे, ठीक है ना। हमारे कलेक्शन में है गाड़ी, तो हम लोग इसको अलग सा ही बनाएंगे, ठीक है। अब इसको पॉलिश में, मैं सोच रहा हूँ इसको भी हम लोग स्मूथनेस ज़्यादा ना बढ़ाए, पहले कलर देख लेते हैं, ठीक है। देखो सुपरा यार, तुम मानो या ना मानो, झूठ मत बोलना, वाइट में अच्छी सी नहीं लगती ज़्यादा। भाई व्हाइट में सुपरा बेस्ट कलर लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों यार। अब देखो ऑरेंज तो है ही भाई यार, पॉल वॉकर वाली सुपरा अगर हम इसको बना दें तो ऑरेंज कलर तो लगता ही कूल है इसमें, बट यार पता नहीं क्यों मेरे को ना व्हाइट कलर की सुपरा बड़ी कूल लगती है बिल्कुल एकदम। तो इसको हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा व्हाइट करके देखते हैं एक बार। भाई पेंट भी $500 देखो, सिल्वर कलर हो गया भाई, ये परफेक्ट कलर है सुपरा के लिए। एक बार देखो कितनी कूल लग रही है, कितनी क्लीन लग रही है एकदम। इसको ले चलते हैं ऐसी, भाई मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है। और ये देखो बाहर प्रॉपर वाइट आया हुआ है, प्रॉपर वाइट जिसको बोलते हैं ना वो है ये। और ये तो निकल जानी चाहिए भाई मेरी, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। ये क्या हो रहा है? अच्छा ये निकल गई, देखा मैं बोल रहा था ना ये निकल जानी चाहिए। इसको हम लोग, ठीक है इसको हम लोग बिल्कुल मस्टैंग के साथ लगाएंगे, ठीक है। जैसी मस्टैंग चल रही है ना, इसको हम लोग बिल्कुल वैसी लगाएंगे, ठीक है। चलो बेस्ट, कभी कभार गलती से ही सही लेकिन परफेक्ट लगा देता हूँ, देख रहे हो मैं गाड़ी। अब देखो जब लैम्बोर्गिनी सीधी होगी तो अपनी सुपरा और अपनी मस्टैंग दोनों उल्टे होंगे, और जब लैम्बोर्गिनी उल्टी होगी तो अपने दोनों मस्टैंग और सुपरा सीधे होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा कूल लगता है, ठीक है। आगे वाली दो गाड़ियाँ तो बिल्कुल एकदम सेम वे में दौड़ेंगी, जैसे कि वो करेंगी बेसिकली चलेंगी। अब हम लोग को अपनी लास्ट ऑडी R8 लेके आनी है, जो कि एक्चुअल में टूटी फूटी है थोड़ी सी। अब देखते हैं कितनी टूटी हुई है, 5% टूटी थी जहाँ तक मुझे याद है जब खरीद रहा था उससे, 5% टूटी है, 10% पेंटेड है। लेट्स सी कितने रुपये लेता है भाई, $2800 देख रहे हो तुम, 5% टूटी के $2800 ले रहा है ये बंदा। भाई इन लोगों ने गारंटीड पैसे बढ़ाए, बहुत ज़्यादा बढ़ाए एक्चुअली। हम लोगों ने अपनी GTR सही करी थी, 10% ठुकी हुई जीती, $10,000 से ज़्यादा लिया इन लोगों ने हमसे। बस एक लास्ट स्पॉट, बढ़िया ठीक है। अब मेरे को GTR की वजह से गाड़ी के राइट साइड से जाने की आदत हो गई है, ठीक है। वो तो अलग ही चीज़ है भाई। अभी इसको सबसे पहले यहाँ लेके आते हैं, लेट्स सी। दिक्कत वाली बात वही है, ऑडी R8 में इन लोगों ने यार नॉज बंद कर रखी है, अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो देखना। ये देख रहे हो नॉज तुम अनेबल ही नहीं कर सकते इसमें, ये डालते हैं। इतनी ऊपर क्यों है ऑडी R8 भाई, मैं तो कह रहा हूँ पूरा नीचे करो भाई। ऑडी R8 तो जमीन से चल के चिपक के चलती है बिल्कुल एकदम, कैसी हरकतें हैं ये। वामू नंबर प्लेट देंगे नेब्रास्का की, ठीक है। और व्हील यार ये अच्छे की लग रहे, रोल्स रॉयस जैसे व्हील लग रहे थोड़े से, आई थिंक कलिनन में ऐसे या फिर किस में, मेरे को नहीं पता, तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें याद है तो। इसके भी ऐसे तो नहीं बिल्कुल भी, ये तो भाई ये तो मैंने पहले से गलती कर रखी है, एक ऐसी व्हील मैंने उसमें डाल रखी है अपनी यार। ये भी अच्छे लग रहे हैं, ये भी कूल लग रहे हैं इसमें। ये बहुत ही ज़्यादा नीचे होगी, थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेंगे इसके सस्पेंशन हमें शायद से, ठीक है। ये वाला कलर रखते हैं और सस्पेंशन को हल्का सा उठाते हैं, बस इतना सही है आई गेस। अरे भाई इतना सही है, ये तो फिर ऊपर ही उठ गई ना पूरी। रुको आधा कर देते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि वो ना टायर अच्छे से नहीं दिख रहा है इसमें, फिर वो भी मज़ा नहीं आ रहा ना यार। चलो इसमें यार नॉस नहीं है यार, बताओ इस गाड़ी में, पहले नॉस थी इसमें, एक अपडेट के बाद इसने नॉस ही हटा दी पूरी। कितनी 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 बेकार बात नहीं है भाई, इतनी मस्त गाड़ी थी बेकार बना दी एकदम, सही बताऊँ तो। और 1900 रुपये एक राइट फेंडर पॉलिश करेंगे, जी जी भाई जी जी,
बंदा भाग गया बट हमें गाड़ी दे गया है। हम लोग पिंक कलर की भी ऑडी आर8 बना सकते, कितनी कूल लग रही है देखो एक बार इसको भाई साहब। बट हम लोग ऑडी आर8 की इज्जत रखेंगे, $19,000 में हमारी गाड़ी को पेंट होगा, तुम समझ रहे हो, $19,000 में, ठीक है। अब इसकी स्मूथनेस तो हम लोग फुल्ली रखेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई ऑडी आर8 है, ऑडी आर8 की स्मूथनेस फुल होनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी रात हो ही गई है तो इसको लगाने की जगह मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को एक कार और करनी है आज, ठीक है, कैसे भी अभी के लिए तो इसको लेके चलते हैं। होपफुली कुछ भी मिल जाए मेरे को अच्छा सा, भाई हम लोगों को अगर फरारी मिल गई तो मज़ा आ जाएगा, वो हमारी लाइक कैसे बताऊँ कलेक्शन की कुछ स्टार्टिंग कार्स का बंडल अपना बन के हाथ में आ जाएगा वाली चीज़ हो जाएगी। अच्छा ये तो वही है ना जो मैंने देखी थी सारी की सारी। भाई अगर सही बताऊँ इस गेम के अंदर सबसे सेफेस्ट कार चलानी है तो ऑडी आर8 चला सकते हो भाई, इसमें नॉस ही नहीं है, तुम भगा ही नहीं सकते इस गाड़ी को। ये देखो, देख रहे हो, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो एकदम से नहीं भाग रही, मतलब मारने को तो ड्रिफ्ट इससे मारी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वही वाली बात है कि वैसे नहीं पड़ेगी ना क्योंकि ये एकदम से नहीं भाग रही ना, देखो धीरे से प्यार से भाग रही, जब तक कॉर्नर आ रहा है उतने में तो ब्रेक ही मार दूँ मैं, इससे बढ़िया नहीं ड्रिफ्ट दिखाने की जगह। बस चलो यहाँ पे लगाते हैं गाड़ी, फटाफट से सो के आते हैं एंड लेट्स होप गाइस प्लीज़ यार, ठीक है, लेट्स होप हम लोगों को कोई गाड़ी मिल जाए आज ढंग की, हमारे कलेक्शन में से कोई भी एक गाड़ी चलेगी मेरे को। हमारे पास चार कार्स हो चुकी हैं, हम लोग के पास हो गई ऑडी आर8 लैम्बोर्गिनी क्लच, उसके साथ हमारे पास सुपरा और मस्टैंग हो चुकी है, एक कार और चाहिए हमें हमारे कलेक्शन में से, बस एक कार और, कम ऑन यार, चलो निकल दो भाई। ऑडी आर8 बहुत सही लग रही है रेड कलर, झूठ मत बोलना गाइस। अब पीछे रिवर्स करते समय देखोगे नहीं, कैमरे में बात करोगे तो ऐसे ही होगा ना। चलो फटाफट से चलते हैं, इसको पहले लेके जाते हैं, अब इसको भी सही कराना पड़ेगा, पता नहीं कितने रुपए लगेंगे हम लोगों के उसमें भी, पहले जाते भी देखते हैं। प्लीज़ बोल लो कि कोई अच्छी गाड़ी आई हुई है रेस के लिए, कम ऑन, बेकार गाड़ी है सारी की सारी। चलो फटाफट से इसको लेके चलते हैं अपने पास, और ओ ये तो एम्प्टी है पूरी, रुक जाए इसमें तेल भी डालना पड़ेगा हम लोगों को। भाई मजाक से हटके लेकिन दिखने की बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है ऑडी आर8 रेड कलर में, और परफेक्ट पता नहीं कैसे मेरे से स्मूथनेस और ये तुम्हारा क्या कहते हैं उसे स्मूथनेस और इसका मेटेलिक परफेक्ट हो गया, और पेंट तो परफेक्ट है ही भाई रेड कलर, मज़ा ही आ गया। ओवरऑल पता नहीं कैसे इतनी तगड़ी दिखने लग गई ये गाड़ी, या फिर थोड़े से ग्राफिक्स में भी चेंजेस आए हैं आई गेस उसकी वजह से भी लग रही है, बट मज़ा ही आ गया यार गाड़ी में। सबसे पहले तो इसको जाते हैं रिपेयर पर ले जाते हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए रिपेयर के भाई, ऑलमोस्ट 10 times कर दिए सीधे, $200-$300 में पूरी गाड़ी सही हो जाती थी, अब ये देख रहो हल्का सा 0.5% टूटा हुआ, और देखो 1 second का काम है, ठीक है, वो जाएगा और सही हो जाएगी, देखो रेडी हो गई गाड़ी सही। मैं बता रहा हूँ भाई इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए रेट, बहुत ज़्यादा, देख रहो इतने से केस ने $500 ले लिया हम लोगों से, तो जितनी महंगी गाड़ी भी लेके आओगे ये उतना ज़्यादा पैसा भी लेंगे तुमसे इसका मतलब है। और आज क्या है ऑक्शन है ना, रुको एक काम करते हैं आर8 को ही लेके चलते हैं, ठीक है आर8 को ही लेके चलते हैं, एक बार देख के आते हैं, ऑक्शन 3 बजे खुल रहा है, प्लीज़ प्लीज़ कोई भी एक अच्छी, गाइस अगर तुम लोगों ने अभी भी लाइक नहीं करा है भाई प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाओ, हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा तगड़ी चलती है जब भी तुम लोग लाइक वाला बटन दबाते हो, लेट्स गो भाई, लिटरली मैंने ठोकी भी नहीं प्यार से रखी यार, लेट्स गो भाई। कौन सी गाड़ी, अच्छा ओके एक मिनट नहीं, हाँ कूप है ना मर्सिडीज कूप, चलो नहीं वैसे शीशे देख के वो क्यों लग रही है BMW M3 तो नहीं है, M3 हुई तो भी अपना काम बन जाएगा, M3 भी थी हमारे कलेक्शन में यार, एक भी नहीं आई है कलेक्शन की कार यार, पिछली बार हम लोगों को लेजेंड DC में से 3 मिल गई थी, बट मैं फिर भी आऊँगा, कितने बजे 3 बजे ना, नहीं नहीं फिर नहीं आऊँगा मैं, क्योंकि मेरे को याद है M3 के ना ऊपर से M3 कूप है वो बेसिकली, और अगर तुम में से किसी को नहीं पता तो M3 कूप में ना एक चीज़ होती है आगे से हल्का सा बोनट उठा होता है, अरे यार ये डैमेज्ड है, हल्की सी छुई थी वहाँ पे, उतने में फेंडर डैमेज हो गया, वैसे एक्चुअल रियल लाइफ में भी इतने में हो जाता है, बट फिर भी मतलब 350 भाई, आते जाते ऐसे पैसे उड़ रहे ना भाई, उड़ फूक भी नहीं रहे अब तो, अब तो पैसे उड़ रहे हैं सीधा, वो देखो बंदे ने छुई भी नहीं है गाड़ी, दूर से देख के बस हाँ कर दिया। तो ये वाली गाड़ी हम लोग GTR के साथ रखेंगे आगे, क्योंकि कायदे से हमारे कलेक्शन में अभी तक का सबसे 2 महंगी गाड़ियाँ यही है अपनी GTR और ये Lamborghini भी महंगी है, बट सीधी सी बात है R8 इज मोर एक्सपेंसिव देन Lamborghini। हम लोगों ने मस्त एकदम सिंक कर दिया, देख रहे हो आगे की 2 गाड़ियाँ ऐसे घूम रही हैं, उतनी देर में पीछे की गाड़ियाँ पीछे को देख रही हैं, ये आगे को देख रही है, एकदम परफेक्ट हो चुका है। थोड़ा सा सुपरा और मस्टैंग का सिंक नहीं बैठ रहा है, रुको जरा 1 second ना,
सुप्रा को हल्का सा ना हमने ऐसे करना पड़ेगा, इधर को लेके बस 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 बस। हाँ अब है परफेक्ट सिंक एकदम सारी की सारी गाड़ियों में। पर हम लोगों को अब कैसे भी दिन वो करना है, हम लोगों के 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है सीधे जाते हैं कंटेनर पे, डे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है लेट्स होप कि हम लोगों को अगले दिन कोई भी एक गाड़ी मिल जाए, कोई भी एक गाड़ी हम लोगों के कलेक्शन में से, भाई मैं तो खुश हो जाऊंगा। कोई भी एक, हम लोगों ने 4 कर लिए हैं, एक पांचवी गाड़ी तो बनती है यार। आई जस्ट होप भाई वो अगर बाई चांस गलती से भी फरारी FXX के निकल गई या फिर अपनी ये निकल गई क्या कहते हैं डॉज वाइपर निकल गई तो मज़ा आ जाएगा। ओके कार मार्केट प्लेस खुली हुई है, कायदे से हमें फरारी भी मिल सकती है, पोर्श भी मिल सकती है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से मिल सकती हैं, और हमें मिली है फरारी। फरारी मिल गई दोस्तों, मैं वामू वामू चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं वामू वामू चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। भाई मास्टर बारगेनर हूँ, पैसे नहीं निकलवा लिए ना तेरे से सारे के सारे, तू देख लेना 180,000 लेना है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेटर ऑफर, कोई बात नहीं ठीक है। पता है क्या, मैं ना आज बहुत जेनरस फील कर रहा हूँ तो इसलिए मैं 195 करूँगा, सीधे $15,000 बढ़ाऊँगा मैं सीधा। ओके ठीक है लास्ट ऑफर है मेरा, फिर से $15,000 बढ़ा रहा हूँ मैं, 210 इससे नीचे नहीं करूँगा मैं, मतलब सॉरी ऊपर, इससे ऊपर ठीक है। चलो अपनी फरारी रेडी है गाइस, हम लोगों के पास आ चुकी है अपनी पांचवी और फाइनल कार जिसके साथ हम लोगों ने अपना चैलेंज कर दिया है कंप्लीट। अब तुम लोगों को लाइक गोल कंप्लीट करना पड़ेगा, जल्दी से लाइक वाला बटन। ओ भाई इसमें तो पहले से 900 दे रखी है इन लोगों ने, मेरे को देखना पड़ेगा बस डैमेज ना हो ज़्यादा गाड़ी। नहीं मेरे ख्याल से नई थी, लेकिन नहीं ये मैंने फरारी बहुत सस्ती खरीदी है, मोस्ट प्रॉब्ली होगी डैमेज। यस सर 32% सारे के सारे, फिंगर क्रॉस करो गाइस, आई होप हम लोगों को बहुत बड़ी चपत ना लगे। ठीक है कितनी परसेंट थी ये, 32% $6,500 यार, 32% के $6,500। चलो अब जब तक हवा में है तब तक गाड़ी धो देता हूँ मैं, थोड़ा टाइम तो बचेगा अपना। चलो भाई अपनी फरारी तो हो गई एकदम मस्त, भाई अंदर से भी क्या क्रेजी लगती है ना फरारी यार, मेरे को लेजिट पता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लाइक मेरे को एक बार तो लाइफ में यार फरारी में बैठना है पता है, क्योंकि कायदे से देखा जाए ना यार फरारी ने बहुत, लाइक कैसे बताऊँ, चाहे तुम कुछ भी बोल लो कि भाई फरारी ये फरारी, भाई फरारी वॉज वन ऑफ द कार्स, पहले तो इसमें देखते भाई $1,400 में ठीक है। देखो कायदे से फरारी जब भी हम लोग देखते तो हम लोगों को वही होता है कि फरारी मतलब भाई लाल कलर, लेकिन अब हमने ऑडी R8 को लाल कलर कर दिया है तो फरारी में दूसरा कलर आता है भाई ब्लू, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी लगता है ठीक है, और वो होता है डार्क ब्लू एकदम। तो हम लोग इसको एकदम ही डार्क ब्लू रखें, थोड़ा सा देखते हैं हल्का करके, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा क्लासी लग रहा है ठीक है, तो इस कलर को यहाँ पे रखते हैं, इसको पेंट करते हैं मस्त करके, और ये देखो भाई अपनी फरारी क्या लग रही है। नहीं अब इसमें बस छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस कराने, सबसे पहले वो नंबर प्लेट बदलनी है ठीक है ना। भाई पता नहीं है क्या तुमको वामू भाई की गाड़ी है? हाँ यार वामू ब्रांड है भाई ब्रांड, तुम देखो बस रेसिंग किट डाल देंगे इसमें। भाई ये भी बहुत ज़्यादा महंगे कर दिए इन लोगों ने। ओके गाड़ी के सस्पेंशन आई गेस ठीक है इससे ज़्यादा नहीं गिराने चाहिए हमने, वामू कर देते हैं इसको, और इसके साथ ये वाली लगा देते हैं नंबर प्लेट। व्हील्स तो बहुत कूल है भाई ऑलरेडी इसके, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेट्स गो बॉयज, हम लोगों की पांचवी और फाइनल कार। वो भाई क्या लग रही है ये ब्लू, भाई डोंट टेल मी कि मतलब तुम्हें ये मजा नहीं आ रहा है ये कलर देख के। भाई ये ब्लू क्या लग रहा है, हल्का सा पर्पल का शेड है, हल्का सा, बहुत हल्का, बहुत लाइट है बट है। चलो ठीक है ये अपनी पहली फरारी होगी जो यहाँ पे लगेगी बिल्कुल मेरे ऑफिस के बाहर ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे भाई का ऑफिस होगा, ऑफिस के जस्ट बाहर से क्या दिखेगी, एक नीली फरारी। yeah! सोचो यार मतलब लेजिट सोचो एक बार, तुम लोग अपना ऑफिस बंद क्यों नहीं हो रहे ऑफिस बंद हो जाए अबे ये एक मिनट, ये सीट ऐसी, भाई मेरी सीट किसने पलट दी, इधर को मुंह करो ना यार, मैं गाड़ियां देखते हुए काम करूंगा पीट देगा। एक मिनट रुको भाई, पता नहीं किस बंदे ने यहाँ ऑफिस में आके, मैं बता रहा हूँ ये भैया ये हैं साफ करने वाले, इन्होंने ना मेरी सीट पलट दी यहाँ पे, एक सेकंड रुकना दोस्तों ठीक है।
इसको हम लोग मूव करेंगे, मूव नहीं करना है हमने, बेसिकली इसको बस घुमा देना है, ठीक है। इसका फेस हमें, हाँ ये इसका फेस हमें इस साइड को रखना है, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, सही लग रहा है आई गेस, है ना। हाँ सही लग रहा है। और इस साइड से पता है क्या, इस साइड से ना हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं डेकोरेशन में ना, क्योंकि सी सी बात है यार, अब कोई मेरे वहाँ पे आके बैठ रहा है तो उसको ऐसे बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए ना, तो एक सोफ़ा लगा देते हैं। कोई भी मेरे से आके बातचीत करेगा तो वो ऐसे सोफे में ही तो बातचीत करेगा, बट फिर यार दरवाज़ा लगेगा। यार ये वाला सिटिंग एरिया मैं हल्का सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है गाइस, हल्का सा छोटा कर रहा हूँ मैं ये वाला सिटिंग एरिया, ठीक है, उस वाले को बेटर करने के लिए। इसको डिलीट करेंगे हम, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर वही वाले सोफे को मां के लगा देते हैं बस, ठीक है, बस परफेक्ट है देखो, ठीक है। तो अपना सिटिंग एरिया भी परफेक्ट हो गया है, इसमें बस एक छोटी सी चीज़ की कमी लग रही है, वो है हल्का सा यहाँ पर एक फ्लावर और यहाँ पर एक फ्लावर, ठीक है। तो ये अब बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अपने कमरे में भी मैं एक छोटा सा फ्लावर पॉट तो घुसेड़ ही सकता हूँ कहीं ना कहीं पर, आई डोंट नो वेयर, बट हाँ बस सही है, क्योंकि वैसे भी मैं नहीं चाहता कि लोग उधर से मेरे समाए, भाई मज़ा तो आ जाता है यार इस गेम में कभी कभार ना अपने ऐसी चीज़ें वो करना। देखो अब कितना ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया है, ये अपना एरिया हो गया, यहाँ से अपना आने जाने का हो गया, बट इसमें एक छोटा सा चेंज होगा। अब मेरा ऑफिस ना यहाँ से नहीं खुलेगा, ठीक है। हम लोग इसको, यार एक ये बड़ी दिक्कत है यार, हम लोग अब इसको अपना जो डोर है ना, यार पहले डोर बंद करता हूँ, रुको। अब इसको हम लोग हल्का सा बिल्कुल डोर को यहाँ से ना मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं अभी के लिए, फिर इसको मूव करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, और फिर डोर को मूव करते हैं और डोर को यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट हो गया, देखो अब यहाँ पर से हम लोग आराम से अंदर आ सकते हैं, किसी को चोट भी नहीं लग रही है, अपना ऑफिस का रूम बंद गिरा और अपना आराम से आके यहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ सकते हैं, ठीक है। बस एक हल्का सा और भाई, हल्का सा क्या कहते हैं ना, मैंने इतने चेंजेस कर दिए हैं कि मैं ही जानता हूँ भाई कितने चेंजेस कर दिए। बस इसको थोड़ा सा इनसे दूर कर देता हूँ, क्योंकि ना वो बहुत चिपक रहा है, ठीक है। हाँ अभी परफेक्ट, या फिर अभी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया एक्चुअली, बस अभी देखो ये एकदम परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा, अपना आराम से कंप्यूटर में बैठ जाऊँगा, फिर अपना उठ जाऊँगा, इन लोगों से बातचीत कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आराम से अपने दोस्तों के साथ चिल भी मार सकता हूँ, फिर यहाँ से अपना ऑफिस खोला, ऑफिस बंद करो, सामने से गाड़ियाँ दिख ही रही हैं हम लोगों को सारी की सारी, ये परफेक्ट ऑफिस रूम बना दिया मैंने अभी के लिए, ठीक है। तो अपनी पाँचों की पाँचों गाड़ियाँ गाइस आ चुकी हैं, भाई मैं मजाक नहीं करूँगा, मैं पिछले वाले एपिसोड में जेन्युइनली रोने जैसा हो गया था कि हम लोगों ने इतनी मेहनत से जो गाड़ियाँ कलेक्ट करी थी भाई 5-6 महीने में, वो हम लोगों की सारी गाड़ियाँ जा चुकी थी, बट अभी हम लोगों के पास लेजिट अपनी कलेक्शन की 6 कार्स आ चुकी हैं, जो कि एक निसान GTR जो मैंने कभी नहीं बेची भाई, 3 या 4 GTR बेची मैंने, आई थिंक 5 GTR बेची थी मैंने, 4 GTR बेची थी मैंने, और उसमें से एक छोड़ दी थी मैंने, क्योंकि ये तो भाई यार फिर वो दिल की बहुत ज़्यादा पास आ गई थी। फिर ये अपनी Audi R8 हो गई, ये अपनी Lamborghini हो गई, ये अपनी Mustang हो गई, और उसके बाद ये तो अपनी Supra है ही भाई तगड़ी वाली, और फिर ये है अपनी नई Ferrari भाई जो यहाँ पर लगी, Ferrari F40 है, और सारी की सारी कार्स देख रहे हो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही यहीं से भाई, धीरे धीरे करके ही सही, बट तुम्हारा भाई पूरा का पूरा कलेक्शन बना देगा। अगर तुम लोगों ने अभी तक का सब्सक्राइब नहीं करा है ना, ये पूरा खाली शोरूम हम लोग भरेंगे दोस्तों दोबारा, तुम टेंशन मत लो। अगर तुम लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, और जो भी नया है प्लीज़ लाइक भी करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो का अगर तुम लोगों को मज़ा आया। भाई तुम लोगों का पता नहीं, बट मैं जेन्युइनली दिन भर यहाँ पे बैठ के ऐसे 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 कर सकता हूँ, मस्त है मस्त।